कचरा हमेशा डस्ट। ये आज मौसम कितना अच्छा है, तो चलो इस प्यारे से मौसम में कुछ काम कर लिया जाए। बोलो शिनचैन, एक पहेली पूछूं? एक पहेली, अच्छा बताओ क्या है। एक आलू और एक ब्रेड रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, अचानक से एक ट्रक बहुत तेजी से आने लगा। वहाँ पर सभी लोगों ने जोर से चिल्ला के कहा, अरे हट जा, रुको रुको, बताओ बताओ ध्यान से। अब आप बताइए कि उनमें से कौन रोड क्रॉस कर पाया। ये तो बहुत ही आसान पहेली है, उनमें से तो ब्रेड लोफ ही बचकर बाहर आया होगा, क्योंकि उसके कान होते हैं, इसलिए जब लोग चिल्लाए कि हट जाओ तो वो वहाँ से हट गया। नहीं, उन दोनों में से सिर्फ आलू रोड क्रॉस कर पाया, क्योंकि वो गोल होता है, तभी तो। अच्छा अच्छा रहने दो, तुम्हारी ये पहेली बहुत ही गंदी थी। हाँ, गंदे से मुझे कुछ याद आया। गंदे कपड़े नहीं धोए। ओफो, ज्यादा मत बोला करो। ठीक है, क्या भूल रही हूँ मैं, गंदे से क्या। हाँ, मुझे याद आ ही गया, आज गार्बेज डिस्पोजल डे है ना। शिनचैन, तुम कचरा उठाने में मेरी मदद करोगे? तुम्हें क्या एतराज है? आज मुझे कितना काम है, मुझे शीरो को वॉक पे लेके जाना है और उसका डॉग हाउस भी साफ करना है, बहुत ज्यादा काम है मॉम। देखो शिनचैन, मैं ये सारा काम रोज ही करती हूँ, आज तुम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन शिनचैन, ये कूड़ा कितना सारा है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अकेले कैसे उठाऊंगी। लेकिन इतना सारा कूड़ा आया कहाँ से मॉम? वो बात ये है शिनचैन कि क्या बताऊँ, मैं हर बार इसे फेंकना ही भूल जाती हूँ। मिलकर ही ये काम करना होगा, आज मैं सारा कूड़ा फेंक कर ही दम लूँगी। ये कितना भारी है, मैं तो अभी से थक गया हूँ। बहाने मत बनाओ। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करी, चलो अब जल्दी करो बेटा। हाँ, अरे अब क्या हुआ मॉम? मॉम, हम शॉपिंग के लिए जा रही हैं या फिर कचरा फेंकने जा रही हैं? तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? मुझे कूड़ा फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, मैं कितना ताकतवर हूँ। दीदी, क्या आप हमारी कूड़ा फेंकने में मदद करेंगी प्लीज? मॉम, मैं तो बस उनकी मदद मांग रहा था, हमारे पास इतना सारा कूड़ा जो है। चुप रहो। और नहीं, नहीं लगता है गार्बेज वैन यहाँ से चली गई है, पर रोज तो इतनी लेट आती थी, अब ये इतना सारा कूड़ा मैं क्या करूँगी, कितनी मुश्किल से लाई थी। लगता है सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ पता है पता है, आज तुमने बहुत मेहनत की थी। अब समझी, मुझे लगता है कि गार्बेज वैन सामने वाले ब्लॉक में जरूर आएगी। चलो शिनचैन, हम सामने वाले ब्लॉक में चलते हैं। अरे बेटा, थोड़ी सी दूरी पर तो है। मैं तो ये सोच रही थी कि घर जाने के बाद मुझे तुम्हारे नाश्ते में क्या बनाना चाहिए। दो चॉको चिप। अच्छा ठीक है, मैं घर जाने के बाद तुम्हें दो चॉको चिप्स दूंगी, अब चलो भी। ठीक है, कहीं हमारी मेहनत बेकार ना चली जाए। देखिए टैक्सी। नहीं नहीं नहीं, हमें टैक्सी नहीं चाहिए। तुम भी कमाल करते हो, हम कूड़ा फेंकने के लिए टैक्सी में जाएंगे क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये कूड़ा इतना भारी कैसे हो गया। मैं बहुत थक गया हूँ। बस बेटा, थोड़ी देर और, घर जाने पर मैं तुम्हें चोको चिप जरूर दूंगी। हाँ, मुझे लगता है मैं तेज भाग सकता हूँ। रुक जाओ शिनचैन, रुक जाओ। तुम इतनी जोर से भागे शिनचैन कि तुम्हारा बैग फट गया और सारा कूड़ा सड़क पर फैल गया। अरे जरा रुको। है, क्या तुम्हें ये टेस्टी लग रहा है? ये कोई खाने की चीज नहीं है, ये कचरा है, चलो यहाँ से हटो। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। शिनचैन, तुम यहाँ से कहीं मत जाना।
शिनचैन, किसी ने कूड़े के बारे में पूछा तो कह देना, मेरी मॉम इसे जल्दी ही साफ कर देगी। बात हाँ। मुझे कहना है कि मॉम इसे जल्दी साफ कर देंगी। आप प्लीज बुरा मत मानिए, मान के भी मत मानिए, मतलब मैं सब भूल गया। ओफो, मेरे लिए तो एक काम और बढ़ गया। अच्छा बेटे, तुम कचरा फेंकने आए हो, हम अभी इसे उठा लेते हैं। मेरी मॉम ने कहा है वो ये सब साफ कर लेंगी, आप बुरा मत मानिए। अरे नहीं, अरे अरे रुक जाओ। बाय बाय। मॉम, ये वैन बिना कूड़ा उठाए कैसे चली गई? आपको क्या हुआ मॉम? अभी ने तो मुझे कहा था कि अगर कोई इस कचरे के बारे में पूछे तो उन्हें कह देना कि मेरी मॉम से अभी साफ कर देगी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। तो एक बार फिर मैं अपनी मनपसंद जगह पर आ ही गई, और इस बार मेरे टारगेट होंगे वही घर जिसमें बच्चे रहते हैं, और इस बार मैं उन्हें किसी भी कीमत पर ये इंटरैक्टिव बुक्स और कैसेट टेप्स बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्द ही सब जान जाएंगे कि मैं हूँ एक कमाल की सेल्स गर्ल। लेकिन मुझे अभी से इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार मुझे यहाँ बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। क्या टीवी पे आती है? मॉम, बच्चों, इनकी बातों में मत आइएगा, जल्दी बाहर आइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझिए, वो बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जा रही हूँ। उस दिन मेरी किस्मत सचमुच बहुत खराब थी, मगर इस बार मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। क्या आप अपने बच्चे के लिए ये लर्निंग बुक और कैसेट टेप लेना चाहेंगे? डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं इनोवेटिव रिसर्च कंपनी की एक सेल्स गर्ल हूँ, और मैं इंटरैक्टिव बुक और कैसेट टेप बेचने आई हूँ जो बच्चों के लिए होती है। लेकिन इस ट्रेनिंग में काफी वक्त लगा और बहुत मेहनत करनी पड़ी। पर सबसे पहले उस बच्चे को ढूंढना होगा। इतने सारे बच्चों में से मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? कहाँ हो सकता है? आखिर मिल ही गया वो बच्चा, क्या कोई मुझे बता सकता है? ये कैसेट है जिसमें तुम्हारी पढ़ाई की सारी चीजें रिकॉर्डेड है। मिलके सीखिए, आओ एबीसी, और सीखे वन से लेके टेन। स्कूल जाना क्यों, सीखो घर पे ही। ले लो पेंसिल या पेन। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ये कसर बहुत पसंद आया होगा। ये क्या, सारे बच्चे कहाँ चले गए? अच्छा, तो अब मैं समझा, पहले आप बच्चों को ये कैसेट सुनाती हैं, और जब बच्चों को ये कैसेट पसंद आ जाती है तो उनके घर जाके उनकी मॉम को ये कैसेट बेच देती हैं। तुम बहुत बोलते हो, लेकिन मुझे फिर भी एक समझदार बच्चे लगते हो। पर मुझे पूरा यकीन, लर्निंग बुक और कैसेट दोनों पसंद आएंगी। क्या कहा, सचमुच? मुझे उम्मीद है कि इससे मैं अपना मैथ सुधार पाऊंगा, क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा, मैं यहीं पास में रहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। शीरो, अब हमें घर चलना चाहिए। अरे ये क्या, ये बच्चा तो घर जा रहा है, मुझे उससे बात करनी होगी और उसे समझाना होगा, लेकिन मैं उसे समझाऊं कैसे? पर जो भी हो, मुझे अपना काम करना है, मुझे एक खतरा उठाना ही होगा। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन चलूंगी। कैसे हो प्यारे बच्चे? जरा सुनो बेटा, क्या तुम अपनी मॉम से कहोगे कि मैं कोई अजनबी नहीं हूँ? लेकिन टीवी वाली दीदी, आप मेरी मॉम से क्यों मिलना चाहती हैं? कहा ना, मैं टीवी वाली दीदी नहीं हूँ।
मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, शांति से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, शांति से। तो मैं क्या कह रही थी? अरे सुनो बच्चे, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं किसी भी हाल में तुम्हें पकड़ के रहूंगी। मैं एक सच्ची सेल्स गर्ल हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। कहीं ये मीडिया से तो नहीं, या फिर टैक्स डिपार्टमेंट की कोई जासूस? जाओ जाओ उसे पकड़ो, छोड़ मत। आपको चोट तो नहीं लगी सर? वो कौन हो सकती है? देख, आज एक बहुत ही अलग तरह की घटना हुई। कोई मिस्टर प्रेसिडेंट के घर में अचानक जबरदस्ती घुस आया था, जिससे अफरा तफरी फैली। अरे उनका घर तो हमारे घर के बिल्कुल पास है। आपने ठीक कहा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पुलिस चारों तरफ फैल गई है और उसकी तलाश जोर शोर से। मुझे लगता है मुझे फिर कुछ दिन के लिए इस ब्लॉक से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं उस बच्चे से बदला जरूर लूंगा। आज हम बाहर खाना खाएंगे। आज हम कितने दिनों के बाद बाहर लंच करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। अरे मुझे पता है मिस्सी, क्यों ना उस नए रेस्टोरेंट सुशी गो राउंड चलें। क्या सुशी गो बाउंड? हाउंड नहीं, सुशी गो राउंड। वहाँ सुशी कन्वेयर बेल्ट पर घूमती रहती है। हाँ हैरी, बहुत ही अच्छा आइडिया है। ऐसा करते हैं, हम वही चलते हैं। मैं पहले कभी नहीं गई वहाँ। ठीक है, फिर फैसला हो गया। आप पहले वहाँ गए हैं क्या? हाँ, मैं तो वहाँ काफी बार जा चुका हूँ, क्योंकि वहाँ सुशी बहुत कम पैसों में मिल जाती है। और ये लो, हम लोग पहुँच गए सुशी गो राउंड। अरे डैड, आप कितने लाजवाब हैं। शिनचैन बेटा, पीछे हट जाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे गाड़ी पार्क करने दो। अरे डैड, ये क्या गलत पार्किंग हो गई? माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी। हम आपके पैसे नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आइए। डैड, ये तो गोल गोल घूमता है, वाह वाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्यूजमेंट पार्क में होता है। शिनचैन, इस तरह शोर मचाना बंद करो तुम। मैम डैड, यहाँ सीट्स खाली है। सोचा था यहाँ आकर कुछ पैसे बचा लेंगे, पर खर्चा उल्टा बढ़ हमें गया। उस आदमी ने कहा था ना कि हमें उसके नुकसान के पैसे नहीं देने होंगे। कार को तो नुकसान हुआ है ना, और अभी तक तो मैंने लोन भी नहीं चुकाया। डैड, हमेशा हंसते हुए खाना खाना चाहिए, रोते हुए नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, कम से कम भर पेट खाना तो खा लें। मॉम के लिए ज्यादा खाना मंगवाना है, इनको लगता है भूख ज्यादा लगी है। चुप रहो तुम। अरे मैं अपनी चाबी तो कार में ही भूल गया, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। मिस्सी, तुम यहीं रुको। मैं भी जरा अभी आती हूँ। माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी। ये तो अभी बच्चा है। चलो मूड बदलने के लिए कुछ अच्छा खाएं। क्या हम यहाँ से कोई भी प्लेट उठा सकते हैं? हाँ, इस प्लेट की कीमत है 100 रुपए और इस डिजाइन वाली प्लेट की कीमत है 200 रुपए। तो आप जितनी भी प्लेट्स खत्म करते हैं बस उसी हिसाब से पैसे देते हैं। ओह, अब मैं समझी। चाय पीने हो तो पहले टी बैग लो, कप में डालो और उसके बाद इस तरह। अरे यहाँ सिर्फ खाली प्लेट्स आ रही हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं, अभी तो ये बच्चा है। चम बेटा, सुशी को तुम्हें प्लेट्स के साथ ही लेना चाहिए, समझ गए मेरी बात? ठीक है। जिस प्लेट की कीमत ज्यादा है ये उसी को उठा रहा है। अरे मिस्सी, उसे मत लो। हाँ? मैं देख रहा हूँ कि ये प्लेट काफी देर से यहाँ घूम रही है, तुम कोई दूसरी प्लेट ले लो। हाँ,
आप सही कह रहे हैं, ये प्लेट तो काफी देर से यहाँ पड़ी है, फ्रेश भी नहीं है। अरे इन सब चीजों की तो मुझे आदत सी पड़ गई है मित्र से। जब भी मैं अपने स्टाफ के साथ इस जगह पर आता हूँ लोग बस मुझसे ही पूछते रहते हैं, बताइए हमें कौन सी प्लेट लेनी चाहिए, क्या ये प्लेट फ्रेश है, बताइए ना कौन सी प्लेट लें। मैं देखते ही पहचान जाता हूँ कौन सी प्लेट फ्रेश है और कौन सी नहीं। अब दूसरों की मदद तो करनी चाहिए ना। रुकिए, मेरे डैड ने कहा है ये प्लेट कब से घूम रही है, लगता है ये डिश बिल्कुल फ्रेश नहीं है। क्या कहा, ये फ्रेश नहीं है? थैंक यू बेटा, मैं तो इसे खाने ही वाला था। कोई बात नहीं, इसे जल्दी से हटा कर दूसरी वाली रखो। हमें माफ कर दीजिए, बच्चे से गलती हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिनचैन तुम ज्यादा मत बोला करो, अब अपना मुंह बंद रखना वरना। हैरी सर उधर देखिए। अरे वाह, देखने में इसे तो हम जरूर खाएंगे मित से। प्लेट आ गई। क्यों बेटा, तुम इसे पूरा क्यों नहीं खा सकते? अच्छा ठीक है, छोड़ दो, मैं खा लूंगा। ये लीजिए, ये रहा आपका आधा पीस। ये क्या है? वाह, सचमुच मजा आ गया, मेरा पेट भर गया। अभी भी बहुत ज्यादा भूखा हूँ मॉम डैड। बस अब और नहीं। अरे आइसक्रीम। मैम बताइए, इतनी महंगी प्लेट किसने ली थी? ये 200 रुपए वाली प्लेट इन्होंने ही ली थी। मैं कभी भी इतनी महंगी प्लेट्स नहीं लेता। देखिए आप ये बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। माफ कर दीजिए, बच्चे से गलती हो गई, बहुत ही शरारती है ये। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आखिरकार ये बच्चा ही तो है। इस दुकान में कितना शोर होता है, बहुत गलत बात है। जब देखो तब शैतानी।